हाय दोस्तों, नमस्ते। तो देखिए, आज मैं टेंगरी कबाब बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो टेंगरी ले लिया है। अब मैंने टेंगरी में अच्छे से कट लगा लिया है, अच्छे से धोकर पानी को मैंने छान लिया है। मैंने मसाले में लिया है 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम दही, उसको मैंने अच्छे से पानी निकाल लिया है छलनी में छान कर। नमक स्वाद अनुसार 2 चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, कश्मीरी मिर्च पाउडर और तीखी वाली मिर्च पाउडर मिला के मैंने लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया, छोटा 2 चम्मच। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे ये भी। और मैंने यहाँ पे 1 बड़ा नींबू का रस लिया है, 2 चम्मच होगा वो भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच कुकिंग ऑयल है वो डाल देंगे, सरसों का तेल, क्योंकि टेंगरी कबाब में सरसों का तेल डालने से बहुत टेस्ट आता है, ये भी डाल देंगे। डालकर सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो मैंने देखिए अच्छे से मसालों को मिला लिया है। और मैंने इसमें हल्दी देना भूल गया, तो इसमें 1/2 चम्मच हल्दी भी दे देंगे। मैंने हल्दी भी ले लिया है, हल्दी को भी मिक्स कर लेंगे। मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें 1-1 चिकन डाल के चिकन में अच्छे से मसाला लगा लेंगे। हमें कट है उसमें अच्छे से मसाले लगाना है कि हमारा अंदर तक चिकन जूसीला हो जाए। तो हमने देखिए चिकन में अच्छे से मिला लिया है। अब इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक अच्छे से चिकन को मसाज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से मसालों को अच्छे से मैंने चिकन में लगा लिया है। 2-3 मिनट तक अच्छे से चिकन को हमने हाथ से मला भी है। इसे क्या है, हमारा चिकन बहुत जूसला बनता है। अभी चिकन को हम 2 घंटे तक ढक कर रख देंगे। आपके पास अगर टाइम है तो ओवरनाइट रखिएगा, बहुत अच्छा आता है चिकन टेंगरी कबाब में टेस्ट। तो हम इसे 2 घंटे तक रखेंगे ढककर मिनिमम। तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आपका पास अगर आपका ओवरनाइट रख रहे तो आप फ्रिज में ही रखिएगा, नहीं तो चिकन बाहर ख़राब हो सकती है। तो इसे हम 2 घंटे तक रख देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा 2 घंटा हो गया मैरिनेट किया हुआ। देखिए देखिए दोस्तों, एक थोड़ा सा भी पानी नहीं छोड़ा हमारा चिकन में। तो चलिए ये टेंगरी कबाब बनाने के शुरू करते हैं। तो टेंगरी कबाब बनाने के लिए हमको थोड़ा बटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बटर को थोड़ा पिघला लेंगे। तो हम वही गैस तंदूर में बनाएंगे अपना टेंगरी कबाब। तो चलिए गैस में इसको पहले गर्म कर लेते हैं। तो गैस में हम बिठा देते हैं गर्म करने के लिए, गर्म होने देंगे। तो टेंगरी कबाब हम इसमें स्टीम करेंगे। तो देखिए इसमें हम थोड़ा बटर का ग्रीस कर लेंगे ब्रश से। तो देखिए मैंने ब्रश से अच्छे से चटपटी मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें 1-1 करके हम चिकन टेंगरी रख देंगे। 1-1 करके टेंगरी को हम ऐसे सजा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने 1-1 करके मैंने चारों को ये टेंगरी कबाब को मैंने अच्छे से सजा दिया है। थोड़ा मसाला भी ऊपर से हमने लगा दिया है। हमारा जो गैस तंदूर है गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बेक करने के लिए बिठा देंगे, बिठा दे रहे हैं लो टू मीडियम में। हम इसे 1/2 घंटे के लिए, सॉरी सब मिला के 1/2 घंटे या हमको 1.5 घंटा लगेगा। तो हम 15 मिनट के लिए पहले हम चेक करने के लिए रखेंगे, लो टू मीडियम में छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों, हमारा 15 मिनट हो चुका है। मैंने ढक कर रखा था अपना टेंगरी कबाब को। अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ का मेरा चिकन, अब हम पलटी करेंगे। देखिए ऊपर ऊपर से हड्डी पूरा छोड़ चुका है हमारा चिकन। तब हम पलट देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पलट दिया है हमारा। देखिए नीचे में थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ चुका है। अब इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा बटर डाल देंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा बटर डाल देते हैं कि हमारा अच्छा से अंदर तक बटर पूरा जूसीला चल जाए। बस थोड़ा थोड़ा बटर डाल दिए हैं। अब इसे भी फिर भी हम 15 मिनट के लिए फिर हम ढक कर रखेंगे। तो दोस्तों, मेरा 15 मिनट फिर हो चुका है। मैंने पलट के ढक के रखा था। अब हम फिर से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा ऊपर तक पूरा देखिए ऊपर तक पूरा मेरा तंदूर का तरह पूरा हो चुका है। अब इसे देखते हैं पलटी करके। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिर पलट चुकी हूँ ऐसे ढक कर। अब हम छोड़ देंगे 10 मिनट तक। 5 मिनट हो चुका है, मैं ढक्कन देके रखे थे। अब इसे उघाड़ के हम इसमें कट कोयला का भाप दे देते हैं, जिससे हमको तंदूर का पूरा ये फ्लेवर आ जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक प्लेट में रख चुके हैं कोयला। इसमें थोड़ा सा हम बटर डाल देंगे, जला कर रखे हैं। इसे थोड़ा बटर डाल देंगे और क्योंकि सुगंध देने के लिए हम इसे ढक कर 5 मिनट तक छोड़ देंगे। हमारा चिकन भी 5 मिनट तक ऐसे ही पकेगा। तो देखते हैं दोस्तों, मेरा 5 मिनट फिर हो गया। मैंने ढक कर रखा था मैंने इसको कि ये देखकर हमें ये निकाल देती है। अब तो अभी रेडी है, इसे गैस को ऑफ कर देते हैं।
तो देखिए दोस्तों मेरा टेंगरी कबाब बनकर रेडी है, मैंने प्लेटिंग भी कर दिया। अब इसे सलाद के संग सर्व करिए, बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा टेंगरी कबाब पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।